व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव सदैव ऊपर देखा जाता है। रघुवंश बाबू को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ था। उनकी जो चिट्ठी थी बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी, और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुन्दर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे होंगे, कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुन्दर से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा, इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। इतने बड़े नेता को आपने इस प्रकार के शब्दों से परिभाषित किया, एक लोटा पानी समुंदर में से। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,